इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान तीन को सफलतापूर्वक उतारकर इतिहास रचा चंद्रमा पर कामयाब मिशन के बाद भारत अब अंतरिक्ष में अपने सूर्य मिशन की ओर बढ़ गया है आज दिन में सुबह ग्यारह बजकर पचास मिनट पर श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी के जरिए इस मिशन आदित्य एल को लॉन्च किया गया सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का यह पहला मिशन है आदित्य एल का ये सफर एक दिन में पूरा होगा और इस दौरान ये पन्द्रह लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा और इस पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है उन्होंने ट्वीट कर बधाई दी है उन्होंने लिखा है कि चंद्रयान की सफलता के बाद भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा जारी रखी है भारत के पहले सौर मिशन आदित्य एलवन के सफल प्रक्षेपण के लिए हमारे इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के लिए हमारे वैज्ञानिक अथक प्रयास जारी रखेंगे और इस मिशन पर और जानकारी दे रहे हैं पल्लव बागला धरती के लिए सूरज जीवनदाय का काम करता है सूरज है तो धरती पे जीवन है आज भारत ने अपना पहला स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी अपनी सही कक्षा में छोड़ दिया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने श्रीहरिकोटा से सही कक्षा में आदित्य एल वन सैटेलाइट को पहुंचा दिया ये एक बड़ी छलांग है इससे पहले भारत के चंद्रयान तीन सैटेलाइट ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के द्वारा चांद की सतह पे बिल्कुल मक्खन जैसी सही लैंडिंग करी कुछ ही दिनों में अब यह आदित्य एल वन सैटेलाइट सूरज की ओर जा रहा है इस वक्त भारत के पास अपने सैटेलाइट हैं धरती की कक्षा में चांद की कक्षा में और एक सैटेलाइट सूरज की तरफ भी जा रहा है कहीं ना कहीं भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का यह सूर्य नमस्कार है आदित्य के लिए ये बड़ एक के बाद एक बड़ी सफलता अंतरिक्ष के क्षेत्र में आ रही है जब जी ट्वेंटी का समिट कुछ ही दिन दूर है कहीं ना कहीं जी ट्वेंटी के समिट में भारत की अंतरिक्ष की कामयाबी ज़रूर एको करेगी अगर भारत को एक विकसित देश बनना है तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी और भारत के अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी को उसमें एक रोल प्ले करना पड़ेगा तो ये भारत का जो एक मून वॉक से सन डांस की प्रक्रिया है ये एक बड़ी छलांग है और दर्शाता है कि भारत के वैज्ञानिक और खासकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक और इंजीनियर्स अपना काम बड़ी सफलतापूर्वक कर रहे हैं अब प्रज्ञान रोवर और विक्रम उनको सुलाने का टाइम आ गया है चांद पे होने वाला है अंधेरा पंद्रह दिन के लिए वो सोएंगे तो अगर इसको एक सरल भाषा में कहा जाए तो कहीं ना कहीं वो एक गाना जो है वो दर्शाता है चंदा मामा सो गए सूरज चाचू जागे प्रज्ञान और विक्रम जो हैं वो सोने की तैयारी में हैं और सूरज की तरफ आदित्य सैटेलाइट बढ़ रहा है नई दिल्ली से पलव बागला एनडीटीवी इंडिया के लिए